नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। एक छोटा सा गैप आया था अपनी क्लासेस के बीच में, बाकायदा इसकी सूचना दी गई थी, टेलीग्राम चैनल पर भी बताया गया था, कारण भी बताया था, साथ ही साथ आप लोगों को यूट्यूब पर भी बताया था और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी बताया था। भैया आजकल मैं इंस्टाग्राम भी चलाने लग गया हूँ, तो आप में से जो इंस्टाग्राम चलाते हैं विद्यार्थी, वो घनेराव गौरव, आप लोगों को आजकल जीजीडी फैक्ट में भी नीचे जो है आईडी लिखी हुई मिलती है, फटाफट से जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि काफी अच्छी और रोचक जानकारियां वहां पे भी, और बीच बीच में इंटरेक्ट होते रहेंगे, एक्टिविटीज की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी, सोशल एक्टिविटीज जो होती है उसकी भी जानकारी वहां से मिलेगी। गणराव गौरव नाम से है, देख लेना, और टेलीग्राम पे उसका लिंक भी 2-3 बार दिया है, ठीक है। तो अपडेट चारों तरफ से आप लोगों को किया था, इतनी अपडेट देने के बाद भी यदि कोई पूछता है सर क्लासेस क्यों नहीं आ रही, तो इसका मतलब आप अपने प्रति ही जागरूक नहीं हो। हम आप लोगों के प्रति जागरूक हैं, एक एक चीज की सूचना दी जाती है, और आप अपने प्रति जागरूक नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। मुझे पता है कृषि की क्लासेस अपनी पार्ट 3 तक हुई थी और उसके बाद में चौथा पार्ट बाकी था, तो आज आप लोगों को चौथा पार्ट मिल रहा है, और फिर वही सोमवार से गुरुवार अपनी क्लासेस चलेगी। कल BSTC का पेपर हुआ, बच्चों की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही है और वो लाजमी है। आप लोगों में से कईयों को यूं भय का माहौल रहता है ना थोड़ा थोड़ा, सर ये आएंगे या नहीं आएंगे प्रश्न, इतना अनुभव हम लेकर आए हैं यहाँ और इतने संख्या में जब विद्यार्थी जुड़े हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ तो यहां से मिलता होगा, तभी विश्वास कर रहे हैं। प्रश्न यही बनते हैं जो पढ़ाए जा रहे हैं, प्रश्न बाहर जाने की संभावना है न के बराबर है, और अपने पढ़ाए में से, अपनी पुस्तक में से या टेस्ट सीरीज में से बाहर चला जाता है तो मानकर चलो वो सभी के लिए बाहर जाएगा, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो ये कहे कि सर वो फायदा ज्यादा मतलब किसी और को दे जाए, तो वो 1-2% विद्यार्थी ही कोई ऐसे होंगे बिरले जिन्होंने उनको उस लेवल का प्रश्न यदि कोई आ गया और वो सही करके आए हैं, तो ऐसे प्रश्न नुकसान नहीं पहुंचाते, और निश्चित रूप से बढ़िया तैयारी के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे जैसे पेपर होते हैं ये चीजें साबित होती रहती है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। चलिए आज अपनी भागवत ये तो खूब हो गई, अब अपन पढ़ रहे हैं आज कृषि का चौथा पार्ट है, यानी कि आज कृषि कर लेंगे पूरी, इसके बाद में अपन शुरू करेंगे उद्योग। वैसे देखा जाए तो ये भूगोल का नहीं अर्थव्यवस्था का पार्ट है, कृषि जो है अर्थव्यवस्था का पार्ट है। देखो कृषि पढ़ते हैं तो अपने को 2-4 चीजें ध्यान में रखनी है, जो आप लोगों को भी ध्यान में रखनी है। देखो जब कृषि पढ़ रहे हैं, अब जैसे आज पढ़ेंगे अपन जलवायु कृषि जोन पढ़ेंगे, है ना, अपन कृषि खंड पढ़ेंगे आज, इन्हें क्या कह दिया जाता है, कृषि खंड कह दिया जाता है, ये पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल सवाल इसमें से बन रहे हैं। मैं पूरी की पूरी व्यवस्थित सारणी के माध्यम से आप लोगों को ये चीज करवा दूंगा। इसके अलावा आप अपन आज पढ़ेंगे फसलों के रोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसके अलावा फसलों की किस्में पढ़ेंगे आज ही, ठीक है, और इसके अलावा कुछ संस्थाएं पढ़ेंगे, कुछ संस्थाएं जिनके या तो सन पूछ लिया जाता है या स्थान पूछा जाता है, जैसे जो पूछा जाएगा मैं सारी चीजें आप लोगों को बता दूंगा व्यवस्थित तरीके से, है ना, और कुछ अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे। अब इसके अलावा देखो कृषि में अपने बाकी क्या रहा, बाकी भी रहा है कुछ, क्या बाकी रहा है, वो रहा है कौन सी फसल का उत्पादन कहाँ ज्यादा है, कहाँ क्षेत्रफल ज्यादा है, और इस चीज को अभी रुक के पढ़ना है, इस चीज को पढ़ने का ये समय नहीं है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के जो डेटा होते हैं या एग्जाम से पहले इनको करेक्ट करना होता है। तो जब भी आपका जैसे निकट एग्जाम होगा, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि जैसे दिसंबर में किसी का एग्जाम, अभी जैसे संस्कृत विभाग वालों का है तो उनको थोड़ा सा जो है अपडेट अपने लेवल पे भी होना पड़ेगा, जैसे बड़ी वैकेंसी जैसे फर्स्ट गेट सेकेंड गेट रीट वगैरह आने वाली है वो सब होगी, तो वो लगभग 2025 में होनी है, ठीक है, तो उस समय जो है नई आर्थिक समीक्षा आएगी, नए डेटा आएंगे, वो वाली चीजें उस समय अपने को करेक्ट करनी है। तो अभी भी पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, इसलिए अपने को इस कंफ्यूजन को पालना ही नहीं है, तो अपन वो वाली चीजें जो चेंज हो सकती है उसको वापस तब करेंगे। अरे मैं तो यही हूं आप लोगों के लिए, नियमित क्लास ले रहा हूं, तो चिंता करने की तो जरूरत नहीं है, जैसे जो जिस समय अपडेट होना है उस समय मैं कर लूंगा आप लोगों को अपडेट, ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है, करें क्लास को शुरू। चलो करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। देखो इस सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे और ये बेस्ट तरीका है कृषि जलवायु जोन पढ़ने का। कृषि जलवायु जोन 2 जगह पढ़े जाते हैं, 2 टॉपिक में पढ़े जाते हैं, एक तो जलवायु के अंदर और एक कृषि के अंदर। तो मैंने जलवायु पढ़ाई तब मैंने कहा भी था कि मैं कृषि के अंदर डिटेल से पढ़ाऊंगा इसको, तो अब कृषि पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर अपन व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेते हैं। आगे बात समझ करा शुरू, ठीक है चलो शुरू करा, चलिए शुरू करते हैं। देखो भारत के अंदर जो है विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार कृषि जलवायु जोन में बांटा जाता है, यानी कि कह सकते हो खंड बना दिया अलग अलग,
उनकी जलवायु के आधार पर जो है वर्गीकरण करके अलग अलग खंड बना दिए। सीधी सी बात तो है यही। अब क्या पूछा था? देखो, योजना आयोग ने 1988 के अंदर 15 जो है कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है और राजस्थान को बांटा है 10। ठीक है, भारत को बांटा है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में और राजस्थान को 10 प्रखंडों में बांटा गया है। और ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या पूछी जाती है 10, बस कितना याद रखना है 10 बस। ठीक है, चलिए अब ये 10 कौन से हैं, अब इसमें आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिर बाद में ए बी सी, इस तरीके से। तो ये इसी तरीके से पूछे जाते हैं, इस तरीके से ही पूछे जाते हैं। देखो एग्जामिनर सवाल कैसे पूछता है ये भी अपने को ध्यान रहना जरूरी है। यदि ये चीज ध्यान नहीं है और अपन ऐसे ही मतलब पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, गधा मजूरी करने से कोई मतलब नहीं है, व्यवस्थित तरीके से पढ़ना जरूरी है। देखो ये पूछा जाता है, अब कई जने इसको क्या है फर्स्ट को आई पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने को समझने के हिसाब से पढ़ना है। अब इसे आई पढ़ोगे तो फिर बाद में जो सेकंड आएगा उसे क्या पढ़ोगे, तो आप लोग अपनी समझ के अनुसार इसको व्यवस्थित देख लेना। ठीक है, फर्स्ट ए। अब देखो इसमें क्या है, अब एग्जामिनर जो पूछता है ना वो इस पैटर्न से पूछता है, ये नहीं पूछता कि शुष्क पश्चिमी मैदान क्षेत्र, इस तरीके से तो पूछ ले तो अपना काम आसान, लेकिन एग्जामिनर अपना काम आसान क्यों करे, एग्जामिनर को तो करना है कठिन। ठीक है, दो चार गलत सवाल भी देने हैं, फिर मामला कोर्ट तक लेके जाना है, ये तो आजकल विशेषता है रही है इस एग्जामिनर नाम के सेनापति की। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है अपने फर्स्ट ए, ये है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कैसा है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब अपने दिमाग में आ जाता है सीधा शुष्क कहते पश्चिमी राजस्थान, ऑटोमेटिक दिमाग में आता है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब देखो इसमें फसल कौन-कौन सी है, देखो खरीफ में देखो बाजरा, मोठ, तिलहन। ठीक है, बाजरा, मोठ और तिलहन। रबी के अंदर देखो गेहूं, सरसों और जीरा, ये फसलें पाई जाती है। अब मान लो एक बार अपने खरीफ और रबी को छोड़ो, डायरेक्ट देखो तो बाजरा, मोठ, तिल, गेहूं, सरसों और जीरा, ये फसलें इस जोन में पाई जाती है, इस जोन में उगाई जाती है। ठीक है, अब देखो मृदा का प्रकार यानी मिट्टी यहाँ पे कैसी है, तो मरुस्थलीय मृदा। अब मुझे ये बताओ कि शुष्क जलवायु है तो यहाँ पे आर्द्र मृदा तो हो ही नहीं सकती, तो कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग होती है जो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली याद होती है। ठीक है, तो कैसी है, मरुस्थलीय मृदा है और बालू का स्तूप यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखो ये आते कौन कौन से, अब देखो दोनों तरीके से जिले लिए अपन ने, नवगठित से पहले भी और नवगठित के बाद भी, दोनों तरीके से। तो देखो नवगठित से पहले बाद बाड़मेर और जोधपुर। अब आप लोग यदि अपडेट रहे हो साथ साथ तो आप लोगों को 1% भी समस्या नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, कि बाड़मेर से क्या टूट कर बना, बालोतरा बना, क्या बना, बालोतरा, और जोधपुर से टूट के क्या बना, यहां पे साथ में जुड़ जाएगा जोधपुर ग्रामीण, फलोदी भी आ जाएगा, जोधपुर शहर तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। तो देखो क्या क्या आ गया, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो साथ साथ में अपडेट हुए ना उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा था कि 50 के 33 कर दो, 43 कर दो या 83 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो साथ साथ अपडेट रहे हैं। फर्क किन्हें पड़ेगा, तो टांग पे टांग धर के बैठे हैं और कोई मतलब इंतजार करेंगे, एकदम कोई फिक्स कह देंगे हाँ अब जो है चेंज नहीं होने वाला, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए साथ के साथ अपडेट ही रहना, यही समझदारी है। तो ये अपडेट जो रहे हैं वो मुझे नए जिले बताने का काम ही नहीं, वो खुद भी समझ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये पहली बात, फर्स्ट ए वाला आप लोगों को ध्यान रखना है, पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, अब फर्स्ट भी देखो, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। अब जैसे ही सिंचित मैदानी क्षेत्र आ जाए, सिंचाई का नाम आ जाए और गंगानगर का नाम नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट मैं यहां पे लेके आता हूं गंगानगर और हनुमानगढ़, उत्तरी पश्चिमी जोन बोला है तो ऑटोमेटिकली ये आ भी गए। अब यहां फसलें देखो, कपास, ग्वार, गेहूं, चना, सरसों, ये बोई जाती है। मिट्टी कैसी है, जलोढ़ और लवणीयता से युक्त मिट्टी है, जलोढ़ भी है क्योंकि सिंचित क्षेत्र है ना, और लवणीयता से युक्त भी है, इसी कारण तो देखो हनुमानगढ़ वहां पे सेम समस्या पाई जाती है। अब देखो नया जिला कौन सा बना इसके अंदर, अनूपगढ़, गंगानगर से टूट के अनूपगढ़ नया बना है, तो ऑटोमेटिकली नए जिले के अनुसार अनूपगढ़ भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कितना आसान चीज है कि हाँ नए जिलों के अनुसार तो कोई समस्या ही नहीं है सर। ठीक है, अब देखो आईसी, आईसी का मतलब है, एक चीज और ध्यान रखो, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा, कैसे ध्यान रखोगे, देखो आईसी अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है।
अतिशुष्क है, यानी कि सीधा जैसलमेर जाना है। अब देखो पुराने जिलों में देखो कि बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, क्योंकि सिंचित भी आया है तो चूरू भी आएगा, क्यों चूरू में कोई नदी वैसे है नहीं, ठीक है, सिंचाई की जरूरत पड़ती है। नए जिलों के अनुसार देखो बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, चूरू जिले का अधिकांश भाग आ जाता है इसके अंदर। अब चूंकि देखो जैसलमेर इसके अंदर आ गया है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। इसलिए ये आईसी वाला है ना, ये सबसे बड़ा जो है क्षेत्र है इन खंडों में से, सबसे बड़ा जो है वो ये है। सबसे छोटा आएगा आगे 4B, ठीक है, 4B आएगा वो सबसे छोटा। इसमें देखो फसलें, बाजरा, गवार, मोठ, गेहूं, सरसों, चना। अब मैं आप लोगों को बताऊं, ये फसलें नहीं पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है ना। मिट्टी देख लो, मरुस्थलीय मृदा। आप लोगों को जो पूछा जाता है सवाल वो ये है, या तो क्षेत्र ये वाला, एक तो ये दोनों कॉलम ध्यान में रखने, और ये कॉलम ध्यान में रखना, उसमें से भी ये फर्स्ट बी, ये फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, यानी कि आईसी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए यही प्रश्न यहीं से बनते हैं, और ये सारणी से आजकल बहुत बनते हैं। पहले क्या होता था, जलवायु के अंदर, जलवायु पढ़ते हैं ना पहले, तो पहले सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते, आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र कौन सा है, शुष्क जलवायु वाला कौन सा है, तो क्या हुआ कि टब्बर सारा ही सही करण डूब गया, सबके ही सही होने लग गए, सब सही कर रहे हैं एग्जामिनर के, अब तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो फिर कोपेन के अनुसार पूछने लगे, फिर कोपेन के अनुसार भी थोड़े होशियार हो गए तो ट्रिवार्ता के अनुसार पूछने लगे, थॉर्नवेट के अनुसार पूछने लगे। वही चीज है अब यहां पे जो है, कृषि जलवायु जोन के अनुसार प्रश्न बनते हैं कृषि के अंदर, तो इन्हें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसी तरीके से अपने को ये आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखो अब क्या है सेकंड ए, अब ये क्या है, अंतस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। आते हैं सीधे कि है कौन से, तो नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू। यानी कि मैं सीधे तौर पे इसे एक शब्द से परिभाषित करना चाहूं तो इसे शेखावाटी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि सीकर, झुंझुनू, चूरू ये आ गया। अब यहां पे नए जिलों के अनुसार देखोगे तो नीम का थाना भी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? नागौर आया तो डीडवाना, कुचामन भी आ जाएगा। तो ये देखो कुचाना, कुचामन, डीडवाना, नागौर, सीकर, झुंझुनू, है ना, ये आ गए नए जिलों के अनुसार। तो मेन चीज तो ये और वो, यही चीजें ध्यान में रखनी है मुख्य दो, ठीक है। अब देखो फसलें, बाजरा, दलहन, ग्वार, गेहूं, सरसों, जीरा। गेहूं और सरसों तो लगभग राजस्थान में सब जगह आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और देखो मिट्टी कैसी है, रेतीली चूनायुक्त व उथली लाल मृदा है। रेतीली चूनायुक्त, अब चूने के कुएं जोहड़ कहलाते हैं, शेखावाटी में पाए जाते हैं, इसीलिए चूनायुक्त भी ध्यान रखना है, चूनायुक्त भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो सेकंड बी, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। अब इसीलिए एग्जामिनर इस लाइन से नहीं पूछता, लूनी नदी कह दे तो डायरेक्ट समझ में आ जाए कि हाँ घोड़वाड़ इस तरफ वाले अपने को जाना है भाई, तो ये डायरेक्ट समझ में आ जाते हैं, इसलिए एग्जामिनर डायरेक्ट वहां से पूछता है। कहां से पूछता है? सेकेंड बी, सेकेंड ए, ऐसे पूछता है। खरीफ की फसलों में देखो बाजरा, ग्वार, तिल, गेहूं, सरसों और जीरा, ये लगभग सब जगह है। लाल मरुस्थली मृदा और सिरोज्म मृदा भी यहाँ पे पाई जाती है। मृदा वाला टॉपिक पूरा पढ़ा रखा है, तो ये चीजें आसानी से समझी जा सकती है कि क्या कहां से कैसे प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। और देखो पुराने जिलों में जालौर, पाली, सिरोही और जोधपुर जिले का भाग। नए के अंदर आ जाओ, जालौर, पाली, सिरोही का कुछ भाग और जोधपुर ग्रामीण का भाग, क्योंकि जोधपुर सिटी, सिटी के अंदर एग्रीकल्चर कम देखने को मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर ज्यादा होती है। क्यों? खेत भाई गांव में ही तो वह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड ए, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब पूर्वी भाग आते ही अपने को थोड़ा सा पूर्व की ओर चले जाना है, तो ये बोर्ड पे पूर्व की ओर तो भाई जिलों वाले कॉलम आ गए, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक। और वैसे पूर्व में चले जाओगे तो जयपुर, जयपुर से टूटा कौन सा, जयपुर ग्रामीण भी आएगा, दूधू भी आएगा, ठीक है। तो जयपुर शहर तो है ही, जयपुर ग्रामीण भी है, दूधू भी लिख देना, ये आ गया दूधू इसके अंदर। अजमेर है, ठीक है, दौसा, टोंक, केकड़ी, ब्यावर का कुछ भाग और कोटपुतली बहरोड का कुछ भाग, क्योंकि जयपुर से टूटकर कोटपुतली बहरोड में भी कुछ भाग गया, कोटपुतली वाला क्षेत्र गया ही है और बहरोड वाला अलवर से आया है। अब ये चीजें आप लोग साथ साथ में अपडेट रहे हो ना जिलों के, मैंने तो आप लोगों को देखो अपडेट रखने की पूरी कोशिश की। अब कोई खुद ही मतलब डेटो नहीं हूं बैठो नहीं, मैं तो कौन पढ़ूशा, मन तो के मंत्री जी खुद हार के ध्यान भजन लाल जी आन के दे के बेटा पढ़ ले, अब नहीं बने भाई नया जिला, या बढ़ दीजिए बाद में, कोई कह थोड़ी सका,
तो कि बेटे पटले पटले थोड़े तो पटले। अरे आलोक राज जी तो खुद कई बार कह दियो कि पटले हो रहे नए जिले, पटले हो रहे नए जिले, पटले हो रहे, दो ही नहीं पटो थे। तो बस राम जी मालिक है सबका, मालिक एक, ठीक है। डिटो उन्नी बैठो है, मतलब भाव के साथ चलो, जैसे भाव चलता है उसके साथ में चलते चलो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फसल देख लेना। एक अभी और देखो, छह हुए हैं अभी, चार पांच छह, एक स्लाइड इसकी और है। अब वैसे कैसा है ये थोड़ा सा, मतलब यूं है, और एक टॉपिक क्या है, कौन पढ़े रहे, छोड़ दो रहे, आगो बढ़न दो, क्या कर दिया करे छोरा है, छोरियां भी कर दिया करे, ज्यादातर छोरा कह दूं तो बस छोरियां कहते गुरु जी आप महिला सशक्तिकरण के खिलाफ हो गए। अरे महिला सशक्तिकरण खिलाफ कौन, बस 50% आरक्षण थे, देखो सही बापड़ा है टावर आयोड़ा, मतलब ए आदि तो यूं मतलब दुखड़ो रो रिया है कि गुरु जी माउ ब्याह कौन करी, ए छोरिया मतलब थर्ड ग्रेड लाग जाए बिंगे बाद में, ए देखी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड RS IAS तक देखी, माओ अगर बेरोजगार रहेगा मैं खेती बाड़ी करें काम चला रही हूँ, माओ ब्याह कौन करी, मेन समस्या तो अटे है। और क्या मैं तो मतलब नौकरी लाग जाए गुरु जी बिंगे बाद भी मतलब बेरोजगार छोरी है तो भी मैं तो ब्याह कर दिया, की समस्या कौन, मेरे पास कई सारे विद्यार्थी आए मिलने और बाद में, मतलब ये सबसे बड़ी समस्या होती है। अभी जीजीडी फैक्ट का जो विमोचन करने गया था तब भी हनुमानगढ़ के तीन युवा मिले थे, उन्होंने भी यही समस्या रखी, तो गुरु जी सबसे बड़ी समस्या तो ये हो जाएगी हमारे, बताओ अब क्या करें, क्या आप खुद मतलब क्या महिला पूछ के देख लेना जो नौकरी लगी हुई वो, मतलब हम बेरोजगार लड़के से तो शादी करेगी नहीं, कि हम पढ़े किस लिए हैं, इसलिए पढ़े बेरोजगार लड़के से शादी करें, लेकिन लड़का कर लेता है, तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है। अरे महिला सशक्तिकरण के खिलाफ थोड़ी हम है, मतलब सही न्याय होना चाहिए आ चीज है, ठीक है। चलो छोड़ो बात, आओ सातवां थर्ड भी, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र सीधे आओ जिले में, ठीक है, अलवर धौलपुर भरतपुर सवाई माधोपुर करौली, यानी कि देखो बाढ़ पीड़ित है, ठीक है, बाढ़ पीड़ित है यानी कहीं ना कहीं नदियां निकलेगी, नदियों के पानी से ही बाढ़ आएगा, तो ये वही क्षेत्र है। अब देखो नए जिलों के अनुसार देखोगे तो खैरतल तिजारा, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, कोटपुतली बैरोड का कुछ भाग और गंगापुर सिटी करौली। अब ये नए जिले यदि आप लोग जीजीडियंस हो, जीजीडी पर पढ़ते हो और पुराणों से नए जिले आपको निकालने नहीं आते हैं, तो यानी कि आप जीजीडियंस हो ही नहीं, आपको अभी तक वो टैग मिला ही नहीं, तमगा मिला ही नहीं जीजीडियंस होने का। आप जीजीडियंस हो तो आपको ये चीज आती है, क्योंकि मैं खुद माथू फोड़ चुकी हूँ कई बार इन चीजें समझाने खातिर, है कि नहीं। चलो अब देखो फसल देख लेना आप, क्योंकि फसल फिर क्या गुरु जी फसल रहेगी उसमें, फसल रहेगी ऐसे मत करना, देख लियो फसल में कोई पूछे नहीं जाते इसमें डायरेक्ट, लेकिन देख लेना आप, ठीक है। जलोढ़ मृदा है, मैदानी भाग है जलोढ़ मृदा, 4A अर्ध अर्ध या उप आद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी भाग आती डायरेक्ट जो है दक्षिण वाला मैदानी क्षेत्र आएगा, तो देखो भीलवाड़ा राजसमंद चित्तौड़गढ़ उदयपुर सिरोही, ठीक है। अब देखो नए जिले के अंदर भीलवाड़ा राजसमंद चित्तौड़गढ़ उदयपुर सलूम्बर नयो जिलो आयो कि नहीं आयो, ठीक है आयो, कि गुरु जी शाहपुरा आए क्या, भीलवाड़ा आयो तो शाहपुरा भी आए, लिख ले। चल भाई ठीक है, नेक्स्ट 4B, ये सबसे छोटा, ये देखो लिखा हुआ भी है, ये सब ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने सबसे बड़ा और सबसे छोटा लिखाया ना, ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में देख लेना, सवाल नहीं देखने को मिले तो देखने को मिलेगा। BSTC एग्जाम के अंदर भी जिन बच्चों ने व्यवस्थित ध्यान दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी सवाल उनके बाहर नहीं, BSTC की गाइड दी थी उसमें से तो है ही है सारे, इसके अलावा क्लासेस में से सारे सवाल है, इसके अलावा फैक्ट वाली किताब में से सारे सवाल है, इसके अलावा GK की जो टेस्ट सीरीज है आप अभ्यास कर रहे हो उसमें से सारे सवाल, मेरे ख्याल से इतना प्रयास और इतना इतना वापस आपको सब में से रिजल्ट मिलना, यानी टेस्ट सीरीज तक में से रिजल्ट मिलना, यानी डायरेक्ट ही आप लोगों को सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। अब तो यही है कि कोई मतलब यू गुद्दी पकड़ और लार बिठा के पढ़ तू पढ़ यूं सवाल आई, वहां वाली बात है, बाकी अब जो समझदार है उसको तो इशारा काफी है भैया, और तो क्या करोगे आप, सीधे सट कोई भागवत भी नहीं है लंबी जोड़ी, है ना। मैं आप लोगों को जैसे कृषि पढ़ा रहा हूँ, कृषि में आप लोग देखोगे जैसे कोई भी किताब दूसरी भी उठा के देखोगे, परियोजनाएं जो नहीं पढ़नी है वो भी अनावश्यक, जबकि सवाल जो है एक आध भी बहुत कम देखने को मिलता है, और उसके चक्कर में दूसरी चीजें छूट जाती है, वो वाला काम नहीं करते अपन, अपने काम क्या करते हैं कि 100 नंबर का पेपर है अपने टारगेट करेंगे 90 को, ठीक है, इसके चक्कर में क्या होगा 10 इसलिए छोड़ते हैं कि वो आधी किताब घेर लेते हैं, कोई भी दूसरे ग्रंथ लेके आते हो आधी किताब घेर लेते हैं, आते 10 नंबर के सवाल उसको छोड़ो,
90 नंबर टारगेट करो, आधी किताब ही पढ़नी है, वही चीजें पढ़नी है। 90 टारगेट करोगे तो 80 तो लाओगे, ठीक है, 80 तो लाओगे, मेरिट जाएगी आप लोगों के 65 या 70, ज्यादा से ज्यादा 65 या 70। सिलेक्शन के लिए क्या करना है, सिलेक्शन के लिए विद्वान नहीं बनना है, सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, लिख लेना कहीं, ठीक है, भूल जाओगे नहीं तो। देखो फसलें मक्का चावल ज्वार एवं उड़द, रबी के अंदर गेहूं चना, और मिट्टी है लाल मृदा और पर्वतीय ढालों पर उथली, चलो मिट्टी थी, ये चीजें पूछी जाती है। जहां पे मैं फोकस करने को कहता हूं वहां पे कैमरामैन फोकस करें, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये तो है पुराने। अब देखो नए के अंदर डूंगरपुर से कुछ टूटा ही नहीं, बांसवाड़ा से कुछ टूटा ही नहीं, प्रतापगढ़ से नहीं टूटा, सलूम्बर टूटा है, उदयपुर से टूट के बना है, तो सलूम्बर आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, ठीक है, इसका दक्षिणी भाग है। अब क्या गुरु जी, उदयपुर जिले का भाग, इसीलिए यहां पे लिखा है सलूम्बर, ठीक है, आगे बात समझ। ये सबसे छोटा खंड है, ऐसे देखोगे तो बांसवाड़ा संभाग भी सबसे छोटा ही है, तो याद रहना थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद रखना। फिर है पांच, पांच नंबर, ठीक है, दस, दसवा है वैसे, और पांच ये उपखंड, यानी कि आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ज्वार सोयाबीन गेहूं सरसों, काली मिट्टी चिकनी मिट्टी, यानी काली मिट्टी आते ही बेटा वर्टिसोल्स जहां पाई जाती है, कावरे काली वर्टिसोल्स रेगुर, बताई दी कि नहीं बताई दी, पट्रिक बताइए ना, कावरे यानी काली वर्टिसोल्स रेगुर मिट्टी कहां पाई जाएगी, हाडोती, जहां ज्वालामुखी से बना है कुछ न कुछ न कुछ चीज जो है बेसाल्ट की प्रधानता होगी वहां पे पाई जाएगी। तो अपने हाड़ोती वाला जो क्षेत्र है ना, कोटा बूंदी वारा और झालावाड़, ए आई इंप की बात है, देखो कोटा झालावाड़ बूंदी वारा सवाई माधोपुर का कुछ भाग है, ठीक है, तो यही चीजें इसके अंदर आ गई आप लोगों के। और ये मैं कह रहा हूं ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब में तो मिलती है आप लोगों को, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते, क्यों, क्योंकि थोड़ी लगे बोरिंग है, पढ़ लिया बाद में, पढ़ लिया बाद में, पढ़ लिया वो बाद अभी कौन, ठीक है, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, वो कल आता ही नहीं है, कल कभी आता है क्या, नहीं आता, आज आता है, कल कभी नहीं आता, इसलिए हमेशा आज के लिए तैयारी करो, मतलब आज करनी है, कल के लिए तो तैयारी करनी होती, वो कल जब आज बन जाता है तभी पढ़ाई होती है, ठीक है। चलो ले स्क्रीनशॉट सब बेटो, बाहर उतरी हो रे, ये बाहर ने उतारने खातिर तो 10 दिन रो गैप लेना पड़ी है, इतनी खतरनाक सार नहीं है, लेकिन अब आसान लगेगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्लास पूरी मौज करो राज करो, अरे कौन हुई रे पूरी लारे स्लाइड तो दिखे ना थाने, पानी पी लूं थोड़ो, यहां से सवाल बनते हैं या नहीं बनते, सबसे पहला सवाल तो यही होता है बनते हैं। जीजीडी प्लेटफॉर्म पे यदि क्लास की स्लाइड पर कोई मैटर आया है तो वहां से सवाल बनते हैं, तभी वो मैटर आया है, नहीं तो वो मैटर स्लाइड पे आता ही नहीं, ठीक है। हाँ ये चीज अलग है कि कुछ जो है अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण रहते हैं, कुछ सामान्य रहते हैं, लेकिन सवाल तो भैया बनते हैं, बनेंगे चाहे मानो चाहे न मानो, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, फसलों की किस्में पढ़ रहे हैं आप लोगों को, मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था, क्या बताया था बताओ, देखे कौन ध्यान से पढ़ रहा है बताओ, क्या बताया था, स्कूल वाला टेक्निक ही अपनानी पड़ी, हम क्या थे बाता गणी करो, ठीक है बताओ, देखें क्लास के शुरू में क्या बताया था, ऐसे करते थे हमारे गुरुजी स्कूल में, ठीक है, फिर पता चलता चोरी पकड़ी गई, हाँ बातें कौन करा, बातें करा तेरी, क्या फिर इसलिए बढ़ते हैं माँ बाप, हाँ तो बातें नहीं करनी, क्लास के शुरू में यह बताया था कि इस क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो जिसमें से एक सारणी पूरी होगी, फिर मैंने बताया था कि किसमें पढ़ाई जाएगी, फिर बताया था कि रोग पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में कुछ संस्थाओं के सन वगैरह बताए जाएंगे, और फिर अनुसंधान केंद्र बताए जाएंगे, यानी कि क्लास अभी हुई है आदि, ठीक है, इस खातिर बात नहीं करनी है, क्लास में पूरे को पूरा ध्यान देना है। ओ भाई देखो गेहूं की किस्म है, अब गेहूं में मन ध्यान है, मतलब मेरू ज्यादा जानो किस्म के मायने गेहूं वगैरह में, बाकी मैं थान ध्यान को नहीं किया, कुफरी किंग की नस्ल है वगैरह तो कम ध्यान में, तो भी गेहूं वगैरह ध्यान में, क्योंकि देखो गेहूं तो लेने भी जाना पड़े, और दुकान वाला गए अरे आओ भाई साहब ये करोड़पति बिल्कुल एकदम खाते ही करोड़पति बन जाओगे, ऐसे कहते हैं दुकानदार लुभाने के लिए
अब खाते ही करोड़पति क्या हो गए, हम खाएंगे वो तो खत्म हो जाएंगे और भी है। तो करोड़पति वगैरह इसकी नस्लें आती, सोनालिका मतलब सोने के जैसे लहलाते हैं वो सोनालिका, इस तरीके से इसकी जो है किस्में किस्में पूछी जाती है, इसलिए आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा रहा हूं। देखो सोना कल्याण यानी सोना के जैसे, देखो ये जो इसके पीछे बैकग्राउंड में आप लोगों को दिख रही है गेहूं की फसलें, ये सोने के जैसे लहलाती है खाके सीधा कल्याण, ठीक है गेहूं की फसलें। सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर, मंगला, लाल गेहूं भी आते हैं आप लोगों को पता होता है ना, बहुत गुणकारी होते हैं लाल गेहूं, ठीक है। मंगला, गंगा सुनहरी, करोड़पति, यानी कि गेहूं की किस्मों में ज्यादातर नाम ऐसे लगे जिसको मतलब लग के ऐसे लगे कि गेहूं खाने से डायरेक्ट मतलब राजशाही आनंद आ जाए, सुनहरी सुनहरी फीलिंग आएगी, तो देखना ज्यादातर में रिच वाली फीलिंग आती है, रिच मैन, ठीक है। चलिए मक्का देखो, मक्के के अंदर माही कंचन, माही धवल, मोती कंपोजिट, ये मुख्य मुख्य बता रहा हूं, वैसे तो और भी नस्लें होती है। यानी मक्का ध्यान रखना हो तो म से महेंद्र सिंह धोनी को याद रखना है, इसी महेंद्र सिंह धोनी को क्या कहते हैं माही, तो मक्के के अंदर आप लोगों को माही याद रखना पड़ेगा, आगे और भी आएगी वैसे माही नाम। देखो चावल, चावल में आप ज्यादातर आप लोगों को पैन कटे पड़े रहे, चावल में आप लोगों को ज्यादातर ये ध्यान रखना है कि किसी न किसी नदी का यदि नाम कहीं आ जाए ना किसी किस्म के अंदर, तो वो चावल होगी। चावल की फसलों में देखना हमेशा पानी ठहरता है, ठीक है। तो देखो बासमती, ठीक है, अब बासमती कैसा नाम है, साबरमती जैसा नाम है ना। माही सुगंधा, अब ये वाला माही यहाँ पे मैंने आप लोगों को याद कराया, माही मैंने कहा एक जगह और आएगा, ये माही सुगंधा, ये चावल की नस्ल है। कावेरी, चंबल, परमल, मैंने कहा नदियों के नाम आए तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो कहीं ना कहीं चावल की किस्म होगी। यहाँ देखो यहाँ पे कहीं आप लोगों को कहीं नदी का नाम नहीं दिखेगा, यहाँ सोना सोना रिच मैन वाली फीलिंग आएगी गेहूं के अंदर, है ना, चावल के अंदर नदियों वाला कहीं ना कहीं पानी का संबंध आएगा, तो चावल की नस्लें किस्में, नस्लें तो होती है पशुओं की, इनकी होती है किस्में, ठीक है। चलिए चलो बढ़िया है, क्लास मतलब ऐसे होनी चाहिए कि हाँ थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो जाए, हाँ ताकि कोई यूं नहीं समझे कि पढ़ाने वाला देवता है, ऐसे नहीं, गलतियां हमसे भी होती है, ठीक है क्या, हाँ ये होनी जरूरी है गलतियां ताकि पता चले। तो क्या बताया था, नस्लें नहीं किस्में, ठीक है। तो यहां पे चावल की नदियों से ध्यान रखनी, जौ, जौ से निकलेगी ज्योति, किरणें निकलेगी, ठीक है, इसीलिए जो नाम है। तो देखो ज्योति, राज, किरण, ये जो की फसलें, याद करने का तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, वैसे तो रट्टा मारो चाहे कितना ही मार लो कि मतलब निकले कौन, रट्टो तो चाहे कितना ही मारो, बस आज तरीको है याद रखने रो। राई और सरसों, देखो पूसा कल्याणी, वरुणा, दुर्गमणि, ये राई और सरसों की है। मूंगफली, चंद्रा, एक ही याद रखो यही पूछी जाती है, मूंगफली मूंगफली चंद्रा। आलू की कुफरी, ठीक है, आलू की नस्ल कुफरी, ये ध्यान रखना, सब्जियों का राजा आलू। तंबाकू, देखो निकोटीना टुबैकम और निकोटीना रस्टिका, ये तंबाकू की किस्में भी पूछी जानी है, पूछी जाती है, ठीक है, निकोटीना टुबैकम और निकोटीना रस्टिका, निकोटीना दोनों के अंदर आएगा सब, है ना, निकोटीन के कारण निकोटीना आता है। कपास, कपास देखो कपास कैसा होता है, नरम होता है ना, नरम होता है, तो नरमा। अमरीकन, बीकानेरी, गंगानेरी, अगेदी, इसमें कपास में ध्यान रखना किसी न किसी शहर के नाम से जुड़ा होगा, अब अमरीकन यानी स्थान के नाम से, अमरीकन, बीकानेरी, गंगानगरी है कि नहीं, तो ये कपास की किस्में, ध्यान रखने के तरीके हैं। ज्वार, राजस्थान, चरी, CSV, ठीक है, मोठ, जड़िया ज्वाला, मोठ जड़िया ज्वाला, डायरेक्ट याद करो ये इंपॉर्टेंट है, मोठ की है ना, बीकानेरी भुजिया में ज्यादा काम में ली जाती है, मोठ मोठ जड़िया ज्वाला। ग्वार, ग्वार के अंदर ज्यादातर आप लोगों को दुर्ग शब्द देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह नहीं देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ पे भी है दुर्गमणि, लेकिन ग्वार के अंदर ज्यादा है। दुर्ग बिहारी, दुर्गापुरा, दुर्गा जय, ठीक है, सफेद, ये सारी इसकी नस्लें हैं ग्वार की, तो दुर्ग शब्द ज्यादा है। जीरा, RZ 345, जे की बाइक का नंबर यानी जिया है, जीरेरा, ठीक है, और जीरो जीवरो बैरी है, ठीक है, यह ध्यान रखना, जीरो जीरो बैरी लोकगीत है एक। अंजीर, ये एक बार पूछी गई इंपॉर्टेंट नस्ल है, ठीक है, अंजीर की क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काजरी द्वारा तैयार नस्ल है, क्या है, डायना, अंजीर की नस्ल डायना काजरी द्वारा तैयार है, और ऐसे का ऐसे प्रश्न बना था, तो ये हो गई आपके नस्लें सारी की सारी भैया, लहलाते हुए खेत में आपको नस्लें नहीं रहे किसमें, क्या फिर वापस आएगा ये नस्लें, नस्लें तो पशुओं की होती है, किसमें फसलों की किस्में, ले स्क्रीनशॉट पाछो याद अजय, ठीक है।
हाँ, इनके बाद बड़ा आपा रोग है। रोग रो तो काम ही मतलब खराब है, ठीक है। रोग चाहे इंसानों का हो, चाहे पशुओं का हो, चाहे फसलों का हो, पीड़ा ही देता है। अब फसलों के हो तो किसको पीड़ा होगी? किसान को होगी। रोग लगने से फसलें हो जाती है खराब। आप लोगों को पूछे जाते हैं रोग के नाम। अब वैसे तो इसमें जैसे जो कलिष्ट नाम है ना, वो कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर भी रोग के मामले में वो देखता है कि रोग लगने से वैसे ही आदमी दुखी रहता, तो इनको थोड़ी सी व्यवस्थित ही पूछे। वैसे रोग के प्रश्न कम बनते हैं, लेकिन फिर भी अपन नजर मार लेते हैं, ठीक है। देखो, गेहूं के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं? मोलिया, बाली सिकुड़न, बाली सिकुड़ जाती है, ब्लैक रस्ट, काला सा गेहूं। देखो, काला मतलब काला सा हो जाता है, फिर वो गेहूं काम के नहीं रहते। कंडुआ, काला कीट, पीला कीट, ये सारे गेहूं के। जौ के देखो, आवृत कंडुआ, कवर्ड स्मार्ट, लूज स्मार्ट, धारीदार रोग, ये सारे के सारे जौ के। ज्वार के आवृत कंडुआ, अर्गट, तुलसीता। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये इसका है या इसका है? दोनों के हैं, ठीक है। दोनों के मतलब फसलों में एक ही तरह के रोग आप लोगों को कई जगह देखने को मिलेगा। आवृत कंडुआ मतलब ऊपर जो दाना निकलता ही नहीं, उससे पहले ही उसके अंदर रोग लग जाता है। चावल, चावल के अंदर देखो, झुलसा, पत्र लांछन, जीवाणु पर्ण, अंगमारी, जीवाणु पर्ण रेखा, आभासी कंड, ये सब चावल के। मक्का, मक्के के देखो, मक्का नहीं, मक्का, मक्के के देखो, हेलमिंथो स्पोरियम ब्लास्ट, नाम ही मतलब मक्के रोड़ो। महेंद्र सिंह धोनी नाम आएगा मतलब किन की खास ही हुई, ठीक है। मक्के का महेंद्र सिंह धोनी इसलिए याद रखा जाता क्योंकि माई नाम से आप लोगों को किसमें याद रखनी थी, है ना। तो हेलमिंथो स्पोरियम ब्लास्ट, शीत ब्लास्ट, ब्राउन शॉट, मतलब डायरेक्ट ब्लास्ट के जैसे हेलीकॉप्टर शॉट मारा है ना, ब्लास्ट ब्लास्ट वाले आएंगे रोग। अरहर, चना, उकटा, झुलसा, ये सब। उड़द और मूंग में देखो, मोजेक, पीला मोजेक, जालीदार, अंगमारी आदि। मटर में चूर्णिल फफोंदी, पॉडरी, देखो नाम ही कहो, पॉडरी मिल्ड्यू और हरदा। अब एडा कठिन मतलब नाम रखना याद थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मटर दलहनी फसलों की रानी पड़ा था, तो याद तो भाई रानी है, याद रखना पड़ेगा। आलू, अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी, काली रूप, पत्ती मुंडल, ये सारे। कभी खाने से पहले सोचा कि आलू में इतने रोग भी हो सकते हैं? भिंडी, पीला सीरा, उकटा, मूंगफली, टिक्का रोग और कीट, सरसों, श्वेत कीट, पत्र लांछन, गन्ना, रेड रस्ट। देखना कई बार गन्नों के ऊपर आपको लाल दाग देखने को मिलेंगे, वो रेड रस्ट रोग होता है। नींबू, कैंकर और जीरा, विल्ट और झुलसा, ठीक है। याद रखना है मतलब दो चार बार नजर मार लेना, रट्टा मत मारना, दो चार बार नजर मार लेना। आप लोगों के बहुत कम पूछे जाते हैं रोग में से, लेकिन पूछ लिए जाए तो आप कराओगे, ठीक है। लियो स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ा, तो अब मतलब क्लास जो है अंत की ओर चल रही है। अब विभिन्न संस्थाएं इसमें जो है, जिसके मैंने सन लिखाए हैं यहां उसमें से सन पूछे जाते हैं, और जिसके स्थान भी लिखा रहा हूं उसमें स्थान पूछा जाता है, मतलब जहां से जैसे प्रश्न पूछा जाता है वैसे बता रहा हूं। और ये टू द पॉइंट है, आप लोगों को इसमें ज्यादा मतलब वो उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग PYQs देखना, जहां से सवाल पूछते हैं वो सारे के सारे कवर हो रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, राजस्थान का पहला यांत्रिकी कृषि फॉर्म कहाँ है? सूरतगढ़। यदि पूछ ले सूरतगढ़ कहाँ है, तो श्री गंगानगर के अंदर, ठीक है, गंगानगर। चलिए, इसके अंदर एक और चीज पूछी जाती है, ये कौन से देश की सहायता से? तो रूस की सहायता से 1956 पे स्थापित। अब इसमें से सवाल बाहर नहीं जा सकता। दूसरा यांत्रिकी कृषि फॉर्म है जैतसर, ये भी कहां है? ये भी गंगानगर के अंदर है। ये भी कहां है? गंगा गंगानगर में ही है। और इसमें पूछे तो ध्यान रखना, कनाडा की सहायता से ये स्थापित है, ठीक है। वो रूस की सहायता से, ये कनाडा, अब नहीं जा सकता बाहर, ठीक है। अब देखो, इफको की स्थापना 1967, और इफको जो है केंद्रीय उपक्रम है, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब क्रिबको, ठीक है, क्रिबको 1980, और नोएडा के अंदर, ठीक है। नोएडा वैसे देखा जाए यूपी में पड़ता है, लेकिन दिल्ली यूपी और हरियाणा की बॉर्डर है एक तरीके से। नोएडा आजकल बहुत जबरदस्त हब बन चुका है, बहुत विकसित औद्योगिक नगरी बन चुकी है। काजरी, काजरी में एक ए हटा देना, काजरी और आफरी, ये दोनों के दोनों कहां है? जोधपुर के अंदर। और दोनों के सन भी याद रखने हैं, 1959 और 1985। और इसमें मैं बता दूं आप लोगों को, मरुस्थलीय विकास से संबंधित ये संस्थाएं हैं दोनों की दोनों।
काजरी और आफरी, और दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके सन ही पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1959, 1985, दोनों जोधपुर के अंदर, और मरुस्थलीय विकास से संबंधित संस्थाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखो भारतीय खाद्य निगम FCI 1965 में स्थापित, राजस्थान राज्य भंडारण निगम 1957, जिसमें नहीं लिखा हुआ ना, जैसे ये तो राजस्थान शब्द आया, तो इनका मुख्यालय जयपुर के अंदर है, ठीक है। स्पिनफेड, ये एक कानून बना था, स्पिनफेड तो एक तरह का अधिनियम लाया गया था 1992 में, फिर लागू हुआ 1993 के अंदर, उस समय की बात है, तिलम संघ वगैरह जब आए थे अस्तित्व में तब की है ये चीजें, वैसे पढ़ी जाती है। सहकारी, सहकारिता पढ़ते हैं ना उसके अंदर, आजकल सहकारिता टॉपिक सब सिलेबस में से हटा दिया, पहले पढ़ते थे, सहकारिता पढ़ने में मजा आता है, उसमें भी बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, लेकिन अब आजकल हटा दिया सहकारिता। तो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड 1992, और यदि पूछे कि लागू कब हुआ तो ध्यान रखना 1993, इसलिए किसी किताब में 1992 भी मिलेगा, किसी में 1993 भी मिलेगा, तो ये यहां से क्लियर हो जाएगा। राजफेड यानी कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड, ठीक है, 1957, और नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है जुलाई 1982, ये क्या कर्ज देती है किसानों को, तो ये लोन देने का काम करती है, तो ये यहां से ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट नेक्स्ट। अब अपन पढ़ लेते हैं कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र, और ये स्लाइड पूरी की पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं, खूब एग्जामिनर के पसंदीदा स्लाइड है, ठीक है, तो ध्यान भी बढ़िया तरीके से दियो। देखो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, और लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत बार सवाल बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर, सारे मैं तो कह रहा हूं पूरी स्लाइड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। जोजोबा होहोबा अनुसंधान केंद्र, ये है देखो ढंड, ढंड जयपुर, फतेहपुर सीकर और झज्जर बीकानेर, तीन जगह हैं, इसको तीनों जगह याद रखना है। विलायती फसलें भाई, जोजोबा होहोबा इसराइल से लाई गई है, ठीक है, मतलब भारी जो तेल बनाया जाता है ना रतन जोत, वैसे उसके रतन जोत ज्यादा काम में ली जाती है भारी तेल के काम में, ये जोजोबा होबा भी आप लोगों को ध्यान रखना, पीला सोना भी कह दिया जाता है इसको, ठीक है। इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर, संयंत्र पूछते हैं ना आप लोगों को तो अलग है, तो फिर आप लोगों को आबू रोड ध्यान में रखना है, लेकिन यहाँ पे मंडोर जोधपुर अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर, मक्का अनुसंधान केंद्र बयाना भरतपुर और मौखर बांसवाड़ा, मौखर गांव बांसवाड़ा के अंदर। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर के अंदर, ठीक है। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर, चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, कपास श्रीगंगानगर, खजूर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, इसको भी लगाओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुष्क बागवानी संस्थान आपके बीकानेर, और बीकानेर में भी पूछे कहां तो फिर बिछवाल, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार इसमें से प्रश्न बनाए और आगे भी बनेंगे, ठीक है, तो लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोगों को बता दूं भैया इंस्टाग्राम आईडी एक शेयर की थी, आप लोगों को उससे जुड़ जाना, ठीक है, क्योंकि उस पे भी अब एक्टिविटी आप लोगों को निरंतर जो है सक्रिय रखा जाएगा, कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी से संबंधित उस पे जानकारी आएगी, बाकी तो आप लोगों को सबको पता है, टेलीग्राम वगैरह सब पता है, सोशल हैंडल सारे के सारे, ठीक है। चलिए साथियों अब आज से क्लास का आगाज हो चुका है, कल उद्योग बढ़ेंगे और फिर क्लासेस ऐसे ही आगे नियमित चलती रहेगी, आप लोगों का नियमित रहना बहुत जरूरी है, मैंने एक गैप दे दिया था आप लोगों को बीच में रिवीजन करने का, अब आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो गया होगा, तो पढ़ो मौज करो राज करो, मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।